दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोल सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट तक मैं आपको श्योर कराता हूं कि आप मेरे मेथड को अगर अप्लाई करोगे तो आपके पास हाई टिकट हाई वैल्यू क्लाइंट जरूर आएंगे। तो कृपया इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली में होता क्या है। डिजिटल मार्केटिंग एक कंपोनेंट है मार्केटिंग का, जिसमें आप इंटरनेट और ऑनलाइन मीडिया यूज करते हैं आप अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को मार्केट करने के लिए। डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, SEO, PPC, कंटेंट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक्सेट्रा। तो अब आपको क्या करना है कि आपको एक पेपर में आपको पॉइंट नोट डाउन करने हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के कितने सारे टाइप्स होते हैं, और फिर उस टाइप में से आपको फिगर आउट करना है कि आप किस डिजिटल मार्केटिंग टाइप में अच्छे हैं या आपको लगता है कि आप अच्छा कर सकते हैं। तो लेट्स से कि आप वीडियो मार्केटिंग के अंदर अच्छे हैं, तो आपको फिगर आउट करना है कि ठीक है, मैं अगर वीडियो मार्केटिंग के अंदर अच्छा हूं तो मेरे को क्या क्या सीखना चाहिए, मेरे को क्या क्या चीज आने चाहिए। आप वो चीज रिसर्च करिए, आप वीडियो देखिए यूट्यूब पे, आप कंटेंट पढ़िए। फिर उसके बाद एक बार आपने अपना टाइप सेलेक्ट कर लिया कि हाँ चलो मैं वीडियो मार्केटिंग के अंदर अच्छा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि अगर आप सारे चीज को मास्टर करना चाहोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप किसी एक टाइप में स्टार्ट करें, चाहे वो कंटेंट मार्केटिंग हो, चाहे वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो, चाहे वो वीडियो मार्केटिंग हो। आप किसी एक चीज को पकड़िए, एक बार आपने एक चीज को पकड़ लिया, धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, और आपको एक बार एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको सबके बारे में धीरे धीरे करके नॉलेज भी आना शुरू हो जाएगा, और आप उस नॉलेज को गेन करके आप अप्लाई भी कर सकते हैं फॉर क्लाइंट प्रोजेक्ट। पहले स्टेप में आपने अपना डिजिटल मार्केटिंग का टाइप सेलेक्ट कर लिया, दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, आपको एक इंडस्ट्री सेलेक्ट करनी है। तो इंडस्ट्री भी बहुत सारी टाइप्स की होती है, जैसे हेल्थ केयर इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री एक्सेट्रा। तो आपको फिगर आउट करना है कि आपको किस इंडस्ट्री में आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो जब आप स्टार्टिंग में स्टार्ट करोगे तो आपके पास बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री से आपको काम आएगा। तो आपको क्या करना है कि आपके जो स्टार्टिंग में 2-3 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसमें से आपको फिगर आउट करना है कि अच्छा चलो 2 प्रोजेक्ट मेरे पे एजुकेशन का है और 1 प्रोजेक्ट मेरे पे एंटरटेनमेंट का है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना जो फोकस है, जो मैं इंडस्ट्री सेलेक्ट करूंगा, जिससे क्या हो जाएगा कि आप उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के स्पेशलाइज हो जाएंगे और आपका उस इंडस्ट्री में नाम हो जाएगा, जिससे अगर कोई किसी कंपनी या किसी स्टार्टअप को अगर उस सेक्टर में या उस इंडस्ट्री में डिजिटल मार्केटिंग करवानी है तो आपका नाम सबसे पहले आएगा। तो मैं आपको ऑलवेज रिकमेंड करूंगा कि आप किसी एक इंडस्ट्री में आप चूज करें स्टार्टिंग के अंदर। जब आपकी टीम बढ़ जाए तो आप इंडस्ट्री ऑब्वियसली और भी इंडस्ट्री को कैटर करना शुरू कर सकते हैं। तो अब आपको थर्ड स्टेप में क्या करना है, आपको थर्ड स्टेप में आपको अपनी टीम बनानी है। तो अब आपको टीम बनानी है, जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फ्रीलैंसिंग का नेटवर्क बनाएं, जिसमें आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीलैंसर कॉन्टेक्ट, जैसे आपके पास कंटेंट राइटर है, SEO है, PPC एक्सपर्ट है, एफिलिएट मार्केटिंग है। इससे क्या होगा, आप इन हाउस अगर टीम रखोगे तो आपकी जो कॉस्ट, प्रोजेक्ट का कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आप फ्रीलांसर से काम कराओगे तो आपके पास प्रोजेक्ट का मार्जिन बहुत ज्यादा होगा, तो जिससे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो एक बार जैसे जैसे आपके पास मतलब महीने का 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए होना शुरू हो जाए तो आप इन हाउस टीम भी बैठा सकते हैं, जिसके बारे में मैं अभी लेटर इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो मैं स्टार्टिंग में आपको रिकमेंड करूंगा, जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप फ्रीलांसर का नेटवर्क बनाइए और उनसे आप काम करवाइए। अब आपका फोर्थ स्टेप होगा कि आपको अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को रजिस्टर्ड करवाना है। तो आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, जैसे प्राइवेट लिमिटेड करवा सकते हैं, सोलो एंटरप्रेन्योर करवा सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म करा सकते हैं। तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी रजिस्ट्रेशन मेथड, तो वो आप इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं,
यूट्यूब में आप वीडियो देख सकते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी खासी वीडियो है जो बताती है कंपनी कैसे रजिस्टर करे, क्या क्या बेनिफिट है, क्या नहीं है। तो आपने फोर्थ स्टेप में आपने अपनी कंपनी रजिस्टर भी करवा दी। अब आपका आता है जो चैलेंजिंग पार्ट जो है वो है क्लाइंट फाइंड करना। आप कैसे क्लाइंट फाइंड करोगे? सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होता है क्लाइंट कैसे फाइंड करे। मैंने अपने आंखों के सामने बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खुलते हुए देखी है और बंद होते हुए देखी है, क्योंकि उनके पास अच्छा खासा क्लाइंट बेस नहीं होता है और उनके पास मेथड नहीं होता है कि वो कैसे क्लाइंट लाए। तो मैं आपको बताता हूँ अपनी सीक्रेट्स कि आप कैसे क्लाइंट्स ला सकते हैं और आप कैसे अच्छा खासा वॉल्यूम में आपके पास क्लाइंट फ्लो होगा और मनी का भी फ्लो होगा। तो सबसे पहला मेथड है, आप अपने नेटवर्क के अंदर जितने भी आपके बिजनेसमैन हैं उनको कांटेक्ट कीजिए, उनको आप प्रमोशनली एक हेलो हाय भेजिए, उनसे कांटेक्ट करिए, उनसे बात करने दीजिए कि मैंने ये काम स्टार्ट करा है जी, आपको डिजिटल मार्केटिंग की चाहिए। तो इससे क्या होगा कि मैं मानता हूँ कि वो उस दिन आपकी वो सर्विस ना ले, लेकिन उसके माइंड में आ जाएगा कि हाँ इस बंदे ने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का काम करा है। उससे क्या होगा इन केस लाइक 2 महीने बाद 4 महीने बाद उसको जब जरूरत पड़ेगी वो श्योरली आपके पास आएगा। इसका सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि आप उसको फेस टू फेस मिल चुके हैं और जो फेस टू फेस मिलने में जो ट्रस्ट फैक्टर है वो ऑनलाइन इन सब में ट्रस्ट फैक्टर नहीं है। तो ऑब्वियसली आपके 2-3 महीने बाद 4 महीने बाद 5 महीने बाद वो क्लाइंट आपसे ही डिजिटल मार्केटिंग करवाएगा। दूसरा मेथड है मैनुअली मेथड, जिसमें आपको जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन सेक्टर में लीड उठाना है तो आप क्या कर सकते हैं, गूगल सर्च कर इंजन पे आप डालिए कि स्कूल्स इन दिल्ली, स्कूल्स इन नोएडा, तो आपके पास सर्च रिजल्ट्स आ जाएंगे कि हाँ ये वेबसाइट्स हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उनकी वेबसाइट्स पे जाना है, उनकी वेबसाइट पे आपको देखना है कि उनका एसईओ अच्छा हो रखा है कि नहीं, उनकी वेबसाइट यूजर फ्रेंडली है कि नहीं है, उनके सोशल मीडिया पे जाइए, उनका सोशल मीडिया हैंडल्स देखिए, उनका सोशल मीडिया पे किस टाइप का कंटेंट जा रहा है, क्या आप उस पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये सब आप एक एक्सेल शीट में लिखना है कि हाँ उनका एसईओ ऐसा हो रखा है, उनका सोशल मीडिया ऐसा हो रखा है। अगर आप मेरी पर्सनल एक्सेल शीट चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए कि आई नीड दी एक्सेल शीट, मैं आपको अपनी वेबसाइट से डाउनलोडेबल फाइल्स मैं दे दूंगा जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जरूर आप कमेंट में लीव करिए कि आई नीड दी एक्सेल शीट। ओके, तो थर्ड स्टेप इज आप डायरेक्टरी से भी काम ला सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग, जस्ट डायल इंडिया मार्टिन से भी आप लीड्स इकट्ठा कर सकते हैं। आप फोर्थ स्टेप में आप कर सकते हैं कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन कर लीजिए, लिंक्डइन ग्रुप ज्वाइन कर लिए, इंस्टाग्राम पे डीएम कर दीजिए, ट्विटर पे आप डीएम कर दीजिए। तो ये भी एक अच्छा मेथड है आपको क्लाइंट उठाने का। तो अब पांचवें मेथड में आप ऐसी जॉब पोर्टल की वेबसाइट पे जाइए जैसे naukri.com, LinkedIn, Glassdoor, उसमें आपको क्या करना है, आपको उन कंपनी पे अप्लाई करना है जो रिमोट वर्क अलाउ करते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारी कंपनियां आज की डेट में रिमोट वर्क अलाउ करती है, तो आप उस पर अप्लाई करिए, आप इंटरव्यू दीजिए और आपको काम मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारा काम रिमोट वर्क हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, कोल्ड कॉलिंग ट्राई कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग ट्राई कर सकते हैं, तो उससे भी आपको अच्छा खासा लीड आ सकता है, क्लाइंट आ सकता है। और एक और स्टेप मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपने जितना भी सोशल मीडिया यूज करते हैं आप उसका अच्छे से यूटिलाइज करिए, उस पर स्टोरी डालिए अपने बिजनेस के बारे में, आप अपने मतलब नॉलेज को शेयर कर दीजिए। फॉर एग्जांपल आप डिजिटल मार्केटिंग का टिप्स दीजिए, वेब डिजाइनिंग का टिप दीजिए, उस स्टोरी पे डालिए, तो जितने ज्यादा लोग देखेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ ये डिजिटल मार्केटिंग में है, तो उससे भी आपको काम मिल सकता है। मेरे को भी इस मेथड से बहुत सारे काम मिले हैं, क्योंकि मैंने भी स्टोरी जब डालना शुरू करी अपने पर्सनल नेटवर्क में तो मेरे को अच्छा खासा काम मिला मेरे जानने वाले से। और एक लास्ट ट्रिक मैं आपको देना चाहता हूं कि आप अपने क्लाइंट का एक प्रॉपर डेटाबेस बनाइए, जिसके अंदर आप प्रॉपरली मेंशन करिए कि आपने जिस क्लाइंट को अप्रोच करा है, जैसे आपने व्हाट्सएप से अप्रोच करा है या ईमेल से अप्रोच करा है, फोन से अप्रोच करा है, चाहे वो क्लाइंट आपका क्लोज हुआ हो या ना हुआ हो, आपको प्रॉपर एक एक्सेल शीट बनानी है, प्रॉपर क्लाइंट का डेटाबेस बनाना है, जिससे क्या होगा कि आप जो क्लाइंट पहले बार में क्लोज नहीं हुआ आप उसको रीमार्केटिंग चैनल से दोबारा अप्रोच कर सकते हैं, तो उसके क्लोजिंग होने के चांसेस
ज्यादा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी एक एक्सेल शीट शेयर करूं जो मैं यूज करता हूं अपने क्लाइंट का डेटाबेस बनाने के लिए, तो इसके लिए भी आप कमेंट में लिखिए कि मेरे को वो शीट चाहिए। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई होगी, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और उस बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि इसी यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे मार्केटिंग और बिजनेस रिलेटेड कंटेंट आने वाले हैं। थैंक यू।